fine. I'm also fine. So let's start our lecture today. This is class 39. Our subject is biology. We are studying unit number 8, nutrition, and today our topic is effects of malnutrition. तो आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी से हमारा बॉडी जो है डिफरेंट एबनॉर्मेलिटीज का शिकार हो जाता है। जो ओवर इनटेक है न्यूट्रिएंट्स का वो भी मालन्यूट्रिशन के टाइप्स है, जिसमें ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो कि नॉर्मल ग्रोथ के लिए लिए गए होते हैं डिवेलपमेंट और मेटाबॉलिज्म के लिए, उनका भी हमारी बॉडी को जो कोई फ़ायदा है वो नहीं होता। द इफेक्ट्स ऑफ ओवर intake of nutrients are usually intensified when there is reduction in daily physical activity. यानी कि आप न्यूट्रेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं लेकिन जो आपके एनर्जी का एक्सपेंडिचर है वो बहुत वीक है। आप अपनी एनर्जी को उस तरह से बर्न नहीं कर रहे, तो उससे क्या होगा, उससे भी आपके न्यूट्रेंट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे। तो जो ओवर इनटेक है न्यूट्रेंट्स का बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल हाई इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स और फैट को बहुत ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन उससे के अकॉर्डिंग जो है बर्न नहीं कर रहे कैलोरीज को, तो उससे क्या होगा, ओबेसिटी हो जाएगी, मोटापा हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी, शुगर हो जाएगी एंड कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स और दिल और खून की नालियों की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होंगे। इसी तरह से अगर हम विटामिन ए या बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा भूख लगेगी और लीवर के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। तो ये चीज़ें आपने उसी के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखनी है कि कार्बोहाइड्रेट्स के ओवर इंटेक से क्या होता है और विटामिन ए के ओवर इंटेक से क्या होता है। इसी तरह से जो विटामिन डी का अगर आप एक्सेस अमाउंट में ले रहे हैं तो जो कैल्शियम है उसकी बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाएगी वेरियस टिश्यूज़ के अंदर। तो यानी कि जिस तरह से न्यूट्रिएंट्स की जो शॉर्टेज है वो आपकी बॉडी के लिए डेंजरस है, इसलिए उनकी एक्सेस जो है वो भी आपकी बॉडी के लिए उतनी ही डेंजरस है। तो यहाँ पे उन्होंने जो है पहली स्लाइड में डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन डी है, विटामिन ए है, इनकी एक्सेस के हवाले से जो है वो उनकी एबनॉर्मलिटीज बताई हैं, तो ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट इज स्टारवेशन इज सीवियर रिडक्शन। स्टारवेशन क्या है, इट इज़ सीवियर रिडक्शन। ये एक सीवियर रिडक्शन है इन न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी इनटेक में। यानी कि स्टारवेशन है कि आप जो न्यूट्रिएंट एनर्जी ले रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है। एंड मोस्ट हॉरिबल इफेक्ट ऑफ मालन्यूट्रिशन की सबसे खौफनाक किस्म है ह्यूमंस में, अगर आप बहुत लंबे अरसे तक जो है वो स्टारवेशन को फेस करते हैं तो इससे कोई ना कोई डैमेज है वो परमानेंटली भी कोई ना कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है और इवेंचुअली और उसके नतीजे में डेथ भी हो सकती है। हार्ट डिजीज़ आर आल्सो इंक्रीजिंग। दिल की बीमारियां भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं ग्लोबल लेवल यानी कि पूरी वर्ल्ड के लेवल पर, और उनका भी जो हार्ट की डिजीज़ है उनका भी जो एक कॉज है वो माल न्यूट्रिशन है यानी कि इम्प्रॉपर फूड है। यानी कि यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो बैलेंस डाइट लेनी है वो किस कदर ज़रूरी है। अगर न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल रहे तो उससे आपके जो ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे, और अगर लंबे अरसे तक आप इस सूरत हाल को फेस करते हैं तो एक वक्त आएगा जब वो जो है ऑर्गन्स डैमेज हो जाएंगे। पीपल हु टेक अनबैलेंस्ड डाइट यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा फैट हो तो उनमें जो है वो दिल के प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। यानी कि वो फैट बहुत ज़्यादा लिए जा रहे हैं फैट क्यों होगी, उनकी क्रोनिक आर्टरीज यानी कि जो कि हार्ट से ब्लड लेके जाने वाली आर्टरीज हैं उनके अंदर फैट जो है वो जमा हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल जम जाएगा, वो उनके अंदर से ब्लड की सप्लाई जो है वो तंग होगी, तो क्या होगा, उनको हार्ट के प्रॉब्लम पैदा होंगे। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिपेशन। जो माल न्यूट्रिशन है उससे जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो सकती है कि जो लोग हैं वो अपना खाना रेगुलर नहीं ले रहे तो कॉन्स्टिपेशन, और हम जानते हैं कॉन्स्टिपेशन या जो कब्ज़ है वो तमाम बीमारियों की जड़ है। इसकी वजह से क्या होगा कि सब बहुत सारे इस रेगुलरिटी की वजह से हेल्थ के प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। ओबेसिटी का मतलब है कि ओवरवेट का बहुत ज़्यादा वेट हो जाना, और ये भी मालन्यूट्रिशन की वजह से हो सकता है। वो लोग जो फूड लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा और फिज़िकल वर्क बहुत कम करते हैं वो भी ओबेस हो सकते हैं। ओबेसिटी को तमाम बीमारियों की मदर डिजीज़ भी कहा जाता है, और इसमें हार्ट के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और हाइपरटेंशन जो है वो भी हो सकती है। तो जो ओबेसिटी है ये किस कदर जो है वो डेंजरस है आप यहाँ से ये देख सकते हैं।
तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो से भी फूड ले रहे हैं उसमें प्रॉपर होने चाहिए सभी न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स, मिनरल्स। ये चीज़ें जो है एक बैलेंस अमाउंट में होनी चाहिए, ना तो ये बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही इनकी शॉर्टेज होनी चाहिए, वरना हमारा बॉडी जो है बहुत सी एबनॉर्मलिटीज का शिकार हो सकता है। ख़ास करके जैसे कि हम जैसे लोग जो अंडर डिवेलपमेंट कंट्रीज में रहते हैं, अंडर डिवेलप्ड कंट्रीज़ में रहते हैं, तो इसमें जो है वो हेल्थ के बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जो लोग हैं उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, उनको वो फूड जो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वर्किंग के लिए चाहिए होता है वो नहीं मिल पाता। और सेकेंडली उनमें अवेयरनेस भी नहीं है कि उन्होंने जो फूड मिल रहा है उनको उसको किस तरीके से लेना है। बहुत से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फैट्स ले लेते हैं, वो बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मोटापा उन पर हो जाता है, उनके हार्ट के प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर्स के उनमें बन जाते हैं, वॉक नहीं करते वो। इस तरह से बहुत से लोग हैं उनको जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती। तो इस तरह की सूरत हाल में जो है ब्लड डाइट को मैनेज करना भी एक बड़ा जो एक चैलेंजिंग मरहला है। लेकिन कम से कम आपको इसकी अवेयरनेस तो होनी चाहिए ना, कि ताकि आपके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनका तो अच्छे तरीके से फ़ायदा उठा सकें ना। सो दिस वॉज अबाउट टूडेज़ लेक्चर। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। स्टिल इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन यू कैन अगेन आस्क मी। थैंक्स एंड टेक केयर।